हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में एक चर्चा करूंगा जो हमें फल भी देते हैं लेकिन गर्मी में। जी हां दोस्तों, ये है मेरा मैंगो का ट्री और ये 15 से 16 साल करीबन पुराना है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल से 10 फीट या 8 फीट तक ही रहती है। और उसी के बगल में ये लीची है, इसका चाइना लीची के नाम से। और देखिए मेरा बैकयार्ड में जाने का रास्ता है जिसे मैंने हैज से सजाया है। और चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अब आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर सुंदर मैंगो फलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है मांझर, इस मांझर कहते हैं। और खाद के रूप में मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करता हूँ। और देखिए, जहाँ जहाँ सन की रोशनी से मिल रही है वहाँ वहाँ फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मांझर शुरू हो गए। और कीड़े का प्रकोप एकदम नहीं है। और साथ में देखिए, बगल में कटहल का पेड़ है और पहला कटहल फल गया है। और मुझे गर्मी से पहले ही शायद इस फल का आनंद मिलेगा। और देखिए पाम का है और इधर छाया बनी हुई रहती है। और गर्मी में मैं यहीं पर ही इस पेड़ के नीचे अपने प्लांट को रखता हूँ। और इधर साइड मेरा पीछे में एक मैंने आम्रपालिक लगाया है और ये एक साल पुराना है और अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये आप जो सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, ये है राहड़, अरहर जो दाल हम खाते हैं उसका प्लांट है। और इधर थोड़ा सा छांव है, इस वजह से इसमें ज़्यादा कलियां और फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो इसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर ही सूरज की रोशनी अच्छी आती हो। और मिट्टी आप बजरी युक्त मेरी मिट्टी है तो मैंने उसी में ग्रो किया है। ये देखिए इसके फल किस तरह झुमके की तरह लगे हुए हैं। और एक कली में 5 या 6 दाने रहते हैं और करीबन एक प्लांट से मुझसे करीबन 200-300 ग्राम के फल मिल जाएंगे। और पीछे आम का पेड़ देख रहे हैं। और इधर मेरा कुआं है और उसी के बगल ये देखिए अश्वगंधा का प्लांट है, पीछे स्नैक प्लांट है। और स्नैक प्लांट मैंने अपने बगान के चारों दिशा में लगा दिया है क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन हमें दे। और उसी के बगल में ये कचनार का पेड़ है, पर्पल कलर का फूल आते हैं और इसके पत्तियाँ गर्मी में खाने में बहुत टेस्टी लगती है एज ए साग। और उसी के बगल में ये शाही लीची का प्लांट है, 1.5 साल पुराना है और अभी ये छोटा है इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रही है। जैसे जैसे इसका जड़ का विकास होगा ये काफ़ी जल्दी बढ़ने लगेगा। और उसी के बगल देखिए, ये सूरज की रोशनी इसे पूरी मिलती है और इसके प्लांट में फल इतने ज़्यादा लग गए कि ये प्लांट झुक गया है। और ये देखिए, और इसमें करीबन आधा केजी हमें दाल मिलेगी। और ये देखिए, और ये प्लांट की खासियत है, ये पेड़ युक्त प्लांट है, अगर गर्मी में आप इसे बचा लें तो आने वाले साल में इसी में फल और फ्रूटिंग दोनों होगी। और कुछ इस तरह से गार्डन का ओवरव्यू दिखता है, बगल वाले के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं और मेरे भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।